हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नागरिक शास्त्र के चार ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे और उसे तैयार भी कर लेंगे, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेज भरी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। कुछ समय ऐसा था जिस समय जो कि कुछ महान व्यक्ति ने जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है आह्वान किया था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? नहीं तो बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पुरुष जितना कार्य करता है और वही स्त्री उतना कार्य वो भी करती है, तो पुरुष और स्त्री का दोनों का वेतन समान होना चाहिए। इसके लिए आह्वान किया गया, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ऐसा कार्य जिसमें पुरुषों और महिलाओं का समान भागीदारी हो, समान कार्य हो, तो उस स्थिति में दोनों लोगों का वेतन एक समान होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो है, संसदात्मक व्यवस्था ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका उसे बोलते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, इसे कहते हैं। मान लीजिए जो संसदात्मक व्यवस्था होती है या ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के जो प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का नेता कौन होता है, ठीक है। भारत में लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा, सामान्यतः जनरली जो है प्रधानमंत्री ही लोकसभा का, जो भारत के या किसी अन्य देश के, ठीक है, मान लीजिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता भी होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता, तब लोकसभा का बहुमत अपना नेता निर्वाचित करता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 31 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है चार क्वेश्चंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। और अगला जो है 6 बहुविकल्पी क्वेश्चंस है, उसे भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुविकल्पी में आपके दिया है, पहला दिया है बहुविकल्पी में कि संसद का अधिवेशन, जो संसद भवन होता है उसका, संसद का अधिवेशन कौन आहूत करता है, ठीक है। पहला दिया है अ स्पीकर, स राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, द उपराष्ट्रपति। इसमें से जो है संसद का अधिवेशन कौन आहूत करता है, तो इसमें से जो है राष्ट्रपति जो होते हैं संसद का क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है संसद का अधिवेशन करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ठीक है।
तो उनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष होता है, हम उसे हमें पता करना है। आप लोगों को पता है? नहीं पता है। उसका जो है 2 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहेगा, आगे अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।